आपके साथ रहते हैं, आपकी बात करते हैं। हम हैं द पंचौरा न्यूज़। हम हैं द पंचौरा न्यूज़, आपके साथ रहते हैं, आपकी बात करते हैं। देश की सबसे छोटी संसद का चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रधानी के नए व पुराने दावेदार जीत के लिए साम दाम दंड और भेद सभी तरह के हथकंडे अपनाने में जुट गए हैं। कहीं कोई उम्मीदवार समझाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में कर रहा है तो कोई रुपयों के बदौलत जीत का ख्वाब देख रहा है। इन्हीं सबके बीच ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या कुछ ऐसे लोगों की है जो दबंगई और भय दिखाकर प्रधानी की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। ऐसे उम्मीदवार व उनके समर्थक कभी भी कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे ही लोगों की खोज के लिए कन्नौज में खुफिया पुलिस अलर्ट हो गई है। सभी गांवों की रिपोर्ट जुटाई जा रही है और दबंगों व कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने वालों की लिस्ट तैयार हो रही है। इन्हीं सब तैयारियों को लेकर कन्नौज SP प्रशांत वर्मा इन दिनों थानेदारों व दरोगाओं के साथ रणनीति बनाने में जुटे हैं। SP ने सभी थानेदारों को शासन की मंशा अनुरूप त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव से पहले सभी आपराधिक तत्वों को हवालात में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। SP का कहना है कि चुनाव पूरी पारदर्शिता व शांति से संपन्न कराए जाएंगे। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।